मैं इस पब्लिक में आपके साथ बैठ के मैं वो गालियां शेयर नहीं कर सकता जो उन्होंने दी। महाराज वो सब वायरल है इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे, वो वीडियो एक मिनट की है, वो सब लोग देख सकते हैं कि किस कदर शिद्दत के साथ वो गालियां उन्होंने दी हैं और यहाँ तक धमकी दी कि तू बाहर निकल, मैं तुझे बाहर देखता हूँ। सीनियर मेंबर हर्षवर्धन बीजेपी के ही, वो वहाँ बैठे थे और वो हंस रहे थे। वो जैसे जैसे कह रही है, बीजेपी के और बाकी लोगों को भी देखा जा सकता है वीडियो में कि वो खुशी का इजहार कर रहे हैं उसके साथ। ये कैसा वाकया है कि हम ये समझते हैं कि और कुंवर दानिश अली मुस्तकिल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, और पार्लियामेंट में हंगामा उस बात पे एक हो गया। लेकिन स्पीकर ने सिर्फ इतना किया कि जो गालियां उन्होंने दी हैं हम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से उनको खारिज कर देते हैं। राहुल गांधी को निकाल दिया गया पार्लियामेंट से कि उन्होंने अडानी के ऊपर कुछ रिमार्क्स कसे हैं, उसको लेके उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। संजय सिंह को पार्टी से को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। ये जो दूसरा भारद्वाज है आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का एमपी, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। ये आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है तो एक्सक्लूसिविटी के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इंक्लूसिविटी के साथ इकट्ठा होके एक पे हमला सबके पे हमला के नारे के तहत हमको आगे बढ़ के इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये किसी एक कम्युनिटी का मफाद नहीं है, ये इस देश का मफाद है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में ऐसी बातें जो बातें नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं। मुसलसल हम नफरत की राजनीति, नफरत की सियासत को देख रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग वो सब होता हुआ देख रहे हैं। अभी ताज़ा एक वाकया पार्लियामेंट का है, लोकसभा का, जहां बीजेपी के एमपी रमेश विधूड़ी ने बीएसपी के एमपी कुंवर दानिश अली, जो अमरोहा से एमपी हैं, उनको बहुत ही अनपार्लियामेंट्री जबान इस्तेमाल की है। बहुत ही गालियां भी हैं उसमें, नफरत भी है, और वो सब सरकार में बैठ करके सुकून से इस नया जो संसद की जो इमारत है उसमें मोदी जी ने कहा था कि सारे तकलीफें शिकायतें सब भूल जाएं और हम वापस गले मिलें। अब ये गले मिलने की शुरुआत ऐसी हो रही है, इस पर हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी नफरत किस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल क्या कुछ है, क्या इसमें कभी कुछ मिलेगा औरतों को, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके अलावा वो एक लंबे अरसे से सामाजिक खिदमत और सियासी एक नज़र रखते हैं मुल्क के हालात पर, मुल्क के इलेक्शन स्ट्रेटजी पर खास तौर पर। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ताज़ा वाकया है लोकसभा का, इसमें क्या कुछ हुआ थोड़ा सा आप बता दीजिए, चूँकि जो गोदी मीडिया वो तो इस पर बिल्कुल बात करेगा नहीं। आप बताइए क्या कुछ हुआ और क्या उस पर कोई रिएक्शन आया। देखिए, कल जिस वक्त राज्यसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बहस हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खुशफहमी के साथ अपनी पीठ थपथपा रही थी, ठीक उसी वक्त लोकसभा में चंद्रयान मिशन को लेकर महिमा मंडन हो रहा था। अपनी ही तारीफ करने के लिए ये जो स्पेशल सेशन बुलाया था बीजेपी ने, बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी नोटिस के अचानक अनाउंस किया था, उसमें चंद्रयान मिशन पर जो बीजेपी की कामयाबी है, भारत की कामयाबी है, सरकार की कामयाबी से ज्यादा बीजेपी की कामयाबी, पार्टी की कामयाबी को लेकर जो तस्करा करने के लिए लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया था, उसमें बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट है रमेश भिदूरी, जो साउथ दिल्ली की सीट से चुन के आते हैं, वो तौलकाबाद के रहने वाले हैं और उनका ताल्लुक गुजर बरादरी से है और वो बड़े प्रोमिनेंट रहे हैं
इससे पहले भी उनके भाई वगैरह भी एमएलए रहे हैं, ये भी एमएलए रहे हैं दिल्ली की असेंबली में, और अच्छे खासे ताकतवर एमपी इनको समझा जाता है कि इनकी इनकी मसल पावर भी बहुत है, और इनके मैंने भी इनको कई डिबेट्स में फेस किया है। तो इनकी इन्होंने कोई बात कही थी काबिले एतराज, जिसपे अमरोहा से बीएसपी के जो मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानी चली हैं, जो बहुत प्रोमिनेंट हैं और हर इशू पे वो बोलते हैं, मुल्क के इशूज पर भी बोलते हैं, मुसलमानों के इशूज पर भी बोलते हैं, एक अपकमिंग एमपी हैं, मुस्लिम एमपी जो कंसर्न रखते हैं मुसलमानों के मामलात से, इनको उन्होंने गालियां दी बाकायदा, जिसे गाली कह सकते हैं वो गालियां इन्होंने कुंवर दानिशअली को पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान तमाम मेंबरान पार्लियामेंट की मौजूदगी में, और उस वक्त एक ऑफिशिएटिंग स्पीकर चेयर पे थे, उनकी मौजूदगी में इन्होंने गाली दी। मतलब वो गालियां थी कि मैं खुद पार्लियामेंट में तो क्या बोले जा सकते हैं वो लफ्ज, मैं इस पब्लिक में आपके साथ बैठ के मैं वो गालियां शेयर नहीं कर सकता जो उन्होंने दी। बहरहाल वो सब वायरल है इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे, वो वीडियो एक मिनट की है, वो सब लोग देख सकते हैं कि किस कदर शिद्दत के साथ गालियां उन्होंने दी हैं, और यहां तक धमकी दी कि तू बाहर निकल, मैं तुझे बाहर देखता हूं। गालियां देने के बाद ये कहा, और एक और सीनियर मेंबर हर्षवर्धन बीजेपी के ही, वो वहां बैठे थे और वो हंस रहे थे, वो जैसे जैसे गालियां, बीजेपी के और बाकी लोगों को भी देखा जा सकता है वीडियो में कि वो खुशी का इजहार कर रहे हैं उसके साथ। तो ये कैसा वाकया है कि हम ये समझते हैं कि, और कुंवर दानिश अली मुस्तकिल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा मत बोलिए, और पार्लियामेंट में हंगामा उस बात पे एक हो गया, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ इतना किया कि जो गालियां उन्होंने दी हैं हम पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से उनको खारिज कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि आपको याद होगा कि पिछले सेशन में अधीर रंजन चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा करके कुछ बातें कही थी जो गाली नहीं थी, यकीनन कुछ भद्दे अल्फाज थे, मगर उनको गाली के जुमरे में नहीं लाया जा सकता, और इतने भद्दे अल्फाज नहीं थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया, उनको उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्रिटिसाइज किया, उनको पार्लियामेंट से ताहुक्म सानी निकाल दिया गया, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को, ये तारीखी वाकया था कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया जो किसी सेशन में, और उसके बाद उन्होंने जो है वो प्रिविलेजेस कमेटी में बैठ के माफी मांगी, तब उनको लाया गया। राहुल गांधी को निकाल दिया गया पार्लियामेंट से कि उन्होंने अडानी के ऊपर कुछ रिमार्क्स कसे हैं, उसको लेके उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। संजय सिंह को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। ये जो दूसरा भारद्वाज है आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का एमपी, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। इसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी का एक अकेला मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में है, उसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया इस किस्म के अल्फाज के लिए। लेकिन बीजेपी के ये मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने वो गालियां दी जो 75 साल की पार्लियामानी तारीख में आज तक किसी मेंबर पार्लियामेंट ने किसी को नहीं दी, मैं ये बात यकीन से कह रहा हूं जितना मैं पार्लियामेंट को जानता हूं, 75 साल की तारीख में किसी एक मेंबर पार्लियामेंट ने किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को रनिंग सेशन में इस तरह गालियां नहीं दी जैसे कल 21 सितंबर 2023 को दी गई। ये अपने आप में एक तारीख है, और इस पर स्पीकर का रिएक्शन सिर्फ इतना है कि हमने पार्लियामानी रिकॉर्ड से इन अल्फाज को निकाल दिया, और लीडर ऑफ द बीजेपी पार्टी का ये कहना पार्लियामेंट में खड़े होके कि मैंने देखा नहीं क्या हुआ, अगर वाकई कोई काबिले एतराज है तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। सिंपली पार्लियामेंट के इस मेंबर को जो गलिया रहा है लोकसभा में खड़े होके, और जो मसल्स दिखा के बोल रहा है कि मैं तुझे हाउस के बाहर देख लूंगा, ये बोल रहा है मैं हाउस के बाहर देख लूंगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का बिहेवियर कर रही है। और ये एक कुंवर दानिशअली है जिनको सामने देख के आपने गालियां दे दी, लेकिन इससे पहले जो मैंने जितने लोगों का जिक्र किया उनको पार्लियामेंट से निकाला गया, इसका मतलब पूरी की पूरी एंटायर अपोजिशन रूलिंग बेंचेस के आगे मजबूर है।
वो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर तो अपोजिशन को डरा धमका के और ताकत के बल पर, इससे पहले भी जो जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात हो रही थी तो अमित शाह साहब ने कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट को सीधा डाय बैठ बैठ, ये क्या तरीका है पार्लियामेंट में बात करने का, और ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डिकोरम के खिलाफ है। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर देना टेक्निकली तो हो सकता कोई उसका इलाज हो या वो ठीक किया हो, लेकिन आजकल तो वीडियो का जमाना है, वीडियो आम हो जाती है, और वीडियो आम करने का मकसद नफरत बढ़ाना ही होता है। हमने अब से पहले देखा, मिसाल के तौर पर जो लोगों को मार दिया जाता है भीड़ के जरिए, वो भी बाकायदा वीडियो बनाते हैं, वो उनका मकसद यही होता है कि नफरत बढ़े। तो इसमें और उसमें फर्क क्या रह गया? आप गालियां सुना रहे हैं, एक वो मुसलमान एमपी है तो और उसको उसी तरह से नफरत भरी गालियां, उसका क्या? देखिए, विपक्ष को भी आपने बताया कि वो खामोश रही, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है ऐसे वक्त में, जबकि इंडिया एक साथ एक अलायंस बन चुका है, ऐसे वक्त पर तो कोई और कुछ इससे बड़ा कुछ होना चाहिए था रिएक्शन, आपको क्या लगता है? रिएक्शन आज आए हैं, आज कांग्रेस की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया है, जयराम रमेश का भी रिएक्शन आया है, कांग्रेस के और लीडर्स का भी आया है, मनोज झा का आया है, उमर अब्दुल्ला का आया है, और कई लीडर्स प्रियंका चतुर्वेदी का भी आया है। कई पार्टियों ने अपोजिशन की इस पर बड़े सख्त एतराजात किए हैं और ये मुतालबा किया है कि इनको पार्लियामेंट से एक्सपेल किया जाए, हमने भी किया है, सभी लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन तो रूलिंग बेंचेस का फैसला है कि वो अभी डेरेक ओब्रेन ने कल राज्यसभा में खड़े होकर ये कहा कि एक आदमी मनी पावर और मसल पावर लेकर हमारे बंगाल में आया और उसने कहा दीदी हो दीदी कहकर हमारे लीडर को टारगेट किया। ये कहने पर राज्यसभा के चेयरपर्सन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, उन्होंने उनको नोटिस दे दिया, उन्होंने कहा कि आप साबित कीजिए कि कोई मनी पावर लेके कोई आदमी वहां आया था, इस बात को साबित कीजिए आप। जबकि उसी हाउस में उसी सेशन में कल ही एक दूसरे मेंबर पार्लियामेंट ने रूलिंग पार्टी से खड़े होकर ये कहा कि एक जो पिछली बार जो बिल पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया था 2008 में, उसमें समाजवादी पार्टी के मेंबरान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी थी, उस वाक्य को कोट करते हुए लॉ मिनिस्टर ने, गालिबन लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि मिलीभगत थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जिसके तहत ये कॉपियां फाड़ी गई थी, तो ये एक इल्जाम है। तो इस इल्जाम के लिए राज्यसभा के चेयरमैन ने उनसे नहीं कहा कि आप सब्सटेंशिएट कीजिए इस इल्जाम को, जबकि अपोजिशन के एमपी से राज्यसभा के चेयरमैन कह रहे हैं कि आप सब्सटेंशिएट कीजिए कि कोई आदमी मनी पावर और मसल पावर लेके वहां पर आया था। तो आप अपोजिशन से तो कह रहे हैं कि जो इल्जाम भी आप लगा रहे हैं वो बात ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं तो साबित करना चाहिए, डायरेक्ट से उन्होंने कहा कि आप साबित कीजिए, लेकिन आप रूलिंग आदमी रूलिंग साइड से एक मिनिस्टर खड़े होके इल्जाम लगा रहा है कि एक सांठगांठ थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दो पार्टियों के बीच और उसके तहत पार्लियामेंट में उस जमाने में 1998 में ये वहां एक हंगामा लोकसभा में हुआ था, उसको उस इल्जाम को लेके आप नहीं कह रहे कि ये इल्जाम भी साबित करो। तो ट्रेजरी बेंचेस अगर इस तरीके से बिल्कुल अपने आप को ये समझ के उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता और किसी को बोलने नहीं देंगे और जो बोलेगा उसको पार्लियामेंट के बाहर निकाल देंगे, ये देखिए ये शुरुआत आजम खान से हुई थी और यहां तक पहुंची है, और आजम खान के मामले में एंटायर अपोजिशन खामोश रहा इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी। याद रखना चाहिए इस देश को कि अगर एक मेंबर पार्लियामेंट अगर पहले नंबर उसका मुसलमान है पहले नंबर का, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लत जो पड़ गई है एक मुस्लिम एमपी को गाली देने की, उसको धमकाने की, उसको डराने की, उसको पार्लियामेंट से निकालने की, उसके ऊपर केसेस चलाने की, तो ये मुस्लिम एमपी तक ही रुक जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ये जाएगा बात चलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी आप देख लीजिए कितने मेंबर ने पार्लियामेंट को बाहर निकाल
के खड़ा कर दिया गया है। तो ये डेमोक्रेसी किस तरीके से हमारी चल रही है, ऐसे पहले कभी नहीं चली थी। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आप मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे, आज आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे, आप मस्जिदों पे हमला करना चाहते हैं, आज आप मस्जिदों के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करते हैं, आज आप कुरान शरीफ पे मुकदमे लगाते हैं, कुरान शरीफ को जलाने की मस्जिदों में जाके कोशिश करते हैं, सब कर रहे। तो अगर पूरा देश, हालांकि खामोश नहीं है, देश बोल रहा है, बहुत जोर से नहीं बोल रहा लेकिन बोल रहा है, लेकिन ये बात यहीं तक रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। ये बात देश के तमाम मार्जिनलाइज्ड और कमजोर तबकात, पसमांदा तबकात तक भी जाएगी, ये आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है तो एक्सक्लूसिविटी के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इंक्लूसिविटी के साथ जितने मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जितने मजलूम तबकात हैं, पसमांदा तबकात हैं, अकलियतें हैं, मुख्तलिफ अकलियतें, खाली मुसलमान नहीं है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और जैनी भी हैं, और बुद्धिस्ट भी हैं, और ट्राइबल्स भी हैं, इन सबको इकट्ठा होके एक पे हमला, सबके पे हमला के नारे के तहत हमको आगे बढ़ के इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये किसी एक कम्युनिटी का मफाद नहीं है, ये इस देश का मफाद है। देश में अमन और कानून और इंसाफ, इन चीजों को बरकरार रखने के लिए सबका इकट्ठा होना जरूरी है जी। और मैं समझता हूँ अब मुल्क उससे आगे आ चुका है जहाँ देश के गद्दारों को गोली मारो की का जो ऐलान किया गया था और शोर मचाया गया था, हालांकि उस मिनिस्टर को और तरक्की दी गई उस स्लोगन के बाद, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हमने देखा कि फसादात हुए और बड़ी तादाद में लोग मारे गए, अब तक लोग उसकी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक महिला आरक्षण बिल एक नए नाम से पेश किया है, क्या आपको लगता कभी कभी भी क्या ये सरकार चाहती है कि महिलाओं को कोई आरक्षण मिले, जिस तरह से उन्होंने एक लंबा शेड्यूल और उसकी टेक्निकलिटीज भी बता दी? देखिए, नारों और जुमले की सरकार है और इसका इतराफ उन्होंने खुद भी किया है, और जो नारे दिए उन नारों में से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ, तो और खुद ही एतराफ किया कि ये तो चुनावी जुमले थे। तो जिस तरीके से ये कानून आया, मैंने आपसे तीन दिन पहले बहुत तफसील से इस जो बिल आया था वो अब आज शायद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगी, दोनों हाउसेस में वो पास हो गया है, तो अब वो एक्ट बन गया है। तो वो नारी शक्ति वंदना एक्ट जो अब बन गया है, इसमें जो इसकी लैंग्वेज है, जो इसके प्रोविजन है और जो इसके सेक्शन हैं 5 और 6 पर्टिकुलरली, वो ये बात जाहिर करते हैं और ये साबित शुदा ये मान लिया है, सरकार ने भी हाउस के अंदर अपनी डिबेट में इस बात को माना है कि 2029 से पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नामुमकिन है, और उसके बाद भी 2034 तक, मेरा अंदाजा यह है कि 34 तक मुमकिन नहीं होगा। कल निर्मला सेतुरमन जी ने इस डिबेट पर जवाब देते हुए ये जुमला कहा, मुझे वो जुमला स्ट्राइक किया, और मैं होता पार्लियामेंट में तो पूछता कि व्हेनेवर दिस नेक्स्ट सेंसस इज डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेनेवर? 2021 में सेंसस हो जाना चाहिए था, आज 23 खत्म होने को है, सितंबर आ गया, तीन वो तिमाहियां निकल गई हैं, 24 में इलेक्शन है, हो नहीं पाएगा, 25 में क्या आप सेंसस करेंगे? क्या 25 के लिए ये सरकार कोई टाइम बाउंड फ्रेमवर्क अगली सरकार को देके जा रही है कि आपको 25 में सेंसस कराना है? और अगर 25 में भी सेंसस नहीं होता तो 5 साल गुजर जाते हैं, तो सेंसस तो 31 तक चल जाएगा। और आपने सेंसस के साथ इसको मशरूत कर दिया कि पहले सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, हालांकि डिलिमिटेशन ऑलरेडी जो पिछला 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट है उसमें ये प्रोविजन कर दिया गया कि 2026 तक डिलिमिटेशन, ये डिलिमिटेशन एग्जिस्ट करेगा। तो 2026 में तो डिलिमिटेशन ड्यू है, उसका पीछे मकसद ही ये था कि 2021 में जो सेंसस होगा उसकी बुनियाद पे 2026 में डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा, इसलिए किया गया था 2026 का प्रोविजन उस वक्त पे। अब अगर 2021 में सेंसस ही नहीं हो रहा तो 2026 में डिलिमिटेशन कैसे होगा? और अगर 2025 में हमने सेंसस किया भी
तो क्या वो 2026 तक उसके तमाम स्टैटिस्टिक्स उसका डेटा अवेलेबल होगा? उसके बाद क्या हम डिलिमिटेशन कमीशन कायम कर पाएंगे? नया डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा 2026 में, और वो फिर अपनी जब उसकी 2002 में जब आया था तो वो एक्सरसाइज होते होते 2008 में इंप्लीमेंट हुआ था, आपको याद होगा 2002 से 6 साल लगे थे। तो अगर 2026 में के बाद भी 27-28 में भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसको इंप्लीमेंट हो रहा है 2034 के बाद का जमाना हो जाएगा, तो ये तो लैप्स होने के करीब आ जाएगा बिल। तो आप बिल्कुल, ये एक हिंदुस्तान की खातीन को हम चाहते हैं, हम बहुत पहले से चाहते हैं कि खातीन को रिजर्वेशन मिले, ओबीसी और मुस्लिम खातीन को भी मिले। ये हमने जब 10 मार्च 2010 को राज्यसभा में ये बिल डिस्कशन में था, डिबेट हो रहा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने ही डेलीगेशन ऑर्गेनाइज किया था तमाम मुस्लिम तंजीमों का, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, दिल्ली काउंसिल, इसके तमाम तकरीबन 10 बड़े लीडरान को लेके, और सुबह सवेरे 10 बजे लालू यादव साहब के घर से शुरू करके मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, देवेगौड़ा, इन सारे लीडर्स के पास सारा दिन हम घूमे थे पार्लियामेंट में सारे, और शाम को 5 बजे तक पार्लियामेंट के अंदर हम लोग मौजूद थे, और ममता बनर्जी को मजबूर किया था शाम को कि वो स्वत, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए, वो हिस्सा ले रही थी डिबेट में, लेकिन शाम को जब हमारा डेलीगेशन मिला उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया था राज्यसभा से, लेकिन बिल पास हो गया था। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुस्लिम खातीन को भी, ओबीसी को भी लाए और मुस्लिम खातीन को भी लाए, उसके नतीजे में अगली बार लोकसभा में वो पास नहीं हो सका था। तो इतना काम आज आपने उसमें बात ही नहीं की, एक बड़ा आसान सा प्रोसीजर था इसमें। देखिए, सरकार का कानून बनाने का जो तरीका है मौजूदा सरकार का, वो सबके सामने है। आप अचानक आते हैं 8 बजे रात को डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होता। आप 370 का बिल दोपहर सुबह को 11 बजे पार्लियामेंट जब शुरू होती है तब आप बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर, और शाम तक उसको पास करा लेते हैं। आपने लॉकडाउन को रात में खड़े हुए लॉकडाउन को, और अब भी आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में स्पेशल सेशन का अनाउंस किया तो एजेंडा क्या है आपने एजेंडा बताया ही नहीं, खामोश रहे आप, आपको मालूम था लेकिन आपने एजेंडा नहीं बताया, और अचानक आपने 2 दिन पहले उसका अनाउंसमेंट किया कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाएंगे। तो अगर सरकार के काम करने का ये झटका मार तरीका है, झटके से काम करने वाला तरीका है, तो आप अभी भी, ये तो कानूनी प्रोविजन था, आप देखिए लीगल निटी-जिटी में अगर जाएं तो बहुत सदियों एक मसला हल नहीं हो सकता। कानून का तो यही तरीका है सदियों हल नहीं होने का, लेकिन अगर आप लेजिस्लेटिव तरीके से जाएंगे तो फर्क है। लीगल प्रोसीजर में और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में फर्क है। लेजिस्लेटिवली जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 है, जिसमें ऑलरेडी 3 बार हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, उसी अमेंडमेंट के तहत हमने अभी रिसेंटली आसाम का डिलिमिटेशन किया, जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन किया उसी डिलिमिटेशन के तहत, उससे पहले भी 2 अमेंडमेंट हम ला चुके हैं। तो अब जब आप आर्टिकल 332 में अमेंडमेंट लाकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही था ना जो आपने लाए हैं, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार ला सकती है तो साइमल्टेनियसली डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में भी एक अमेंडमेंट ला सकती थी। अब डिलिमिटेशन तो करना नहीं है, डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, सीट नंबर ऑफ सीट यही रहेंगे, आपको खाली ये तय करना था कि रिजर्वेशन हम किन सीटों पे देंगे। तो आप सिर्फ एक मामूली सा अमेंडमेंट करना था डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में, और 3 महीने के लिए नए डिलिमिटेशन कमीशन कायम करके आपको उसे जॉब देना था कि 180 सीटें कौन कौन सी हैं जिनको उसका एक क्राइटेरिया बनाए वो, और 3 महीने में बता सकता है। अभी 8 महीने इलेक्शन में है तो 3-4 महीने में आसानी से बता सकता है कि ये सीटें रिजर्व हो, और वो 2024 के इलेक्शन में इंप्लीमेंट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अनाउंस करेगा उसके 1 महीने पहले तक ही, यानी अगर अप्रैल में इलेक्शन अनाउंस होगा तो मार्च तक इस बात का वक्त है कि इलेक्शन कमीशन मार्च में अनाउंस करे कि ये सीटें अब रिजर्व होंगी खातीन के लिए, और डिलिमिटेशन कमीशन उससे पहले अपने एक एक्सरसाइज कर सकता है। ये एक तरीका मुमकिन था
जिसे सरकार ने ना इख्तियार किया और ना लोकसभा और राज्यसभा में इस पर कोई बहस और कोई चर्चा की। हालांकि कहा जाता रहा कि उनसे और अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है और बहुत दिन तक आगे इसकी कोई मंशा नहीं है सरकार की। होती तो ये प्रोविजन मौजूद था कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को अमेंडमेंट करके ऑथोराइज करते कि साहब आप इसको हमको बता दीजिए कौन सी सीटें रिजर्व हो। तो बहुत साफ है कि एक जुमला सरकार ने और डाल दिया और कम से कम अगले 10 साल तक खातीन को रिजर्वेशन मिलने का लोकसभा और असेंबली में कोई रास्ता सरकार ने छोड़ा नहीं है। जो इक्का दुक्का रास्ता है, नहीं अगली सरकार आती वो शायद लाके उसे इम्प्लीमेंट कर दे, वो रास्ता भी बंद कर दिया, अदालतों में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। तो मिनिमम 10 साल के लिए खातीन रिजर्वेशन का रास्ता सरकार ने बंद किया है, दिया नहीं है रिजर्वेशन। और 10 साल के बाद फिर आपने कहा ये तो 15 साल के लिए, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 15 साल। अरे भाई वुमेन रिजर्वेशन, आप वोटिंग राइट आप देने की बात करें तो आप कहें हम 15 साल के लिए देंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे, ये क्या बात हुई? आपको तो इसको टाइम बाउंड करना ही नहीं चाहिए। आप वुमेन रिजर्वेशन अगर दे रहे हैं तो जिंदगी भर के लिए दीजिए, ठीक है। रोटेशन सीट्स का होता रहेगा, वो एससी एसटी सीट्स का भी रोटेशन होता है, इन सीट्स का भी रोटेशन डिलिमिटेशन कमीशन के साथ होता रहेगा, लेकिन आप ये कहें कि हम सिर्फ 15 साल के लिए दे रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। यानी 10 साल के बाद शुरू होगा और 15 साल के लिए रहेगा, और इसके लिए ये इस वक्त के इलेक्शन जीतना बहरहाल एक मकसद है जिसके लिए एक परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम बातें, खास तौर पर जो कुछ लोकसभा में हुआ कुंवर दानिश अली के लिए, उनके खिलाफ, वो एक बहुत ही खतरनाक रुझान है। अगर संसद में जिसको डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, वहां जब इस तरह की गालियां दी जाने लगेंगी तो डेमोक्रेसी के मानी क्या रहेंगे, रिप्रेजेंटेशन के मानी क्या रहेंगे? अगर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव वहां गालियां खाने के लिए जाएगा तो क्या वाकई वो इसी के लिए गया था? ये इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। और ऐसे लोगों को जब दूसरी पार्टी के लोगों को संसद से निकाल सकते हैं तो ऐसे अपने एमपी को क्यों नहीं निकाल सकते? हिम्मत दिखाएं मोदी जी, अगर कहीं ईमानदारी कहीं इंसाफ की कहीं कोई बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।